तो दोस्तों क्लास 10 के लिए जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे वहाँ पर प्रश्नावली 3.4 पे पहुँच चुके थे। हमारे पास अधीन की किताब है और आज हम 3.4 में जो पढ़ने वाले हैं वो वर्गीकरण विधि है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण को हल करने का तरीका देख रहे थे। और हमारे पास जो ये समीकरण होते हैं उनका जो ये मानक रूप है a1x + b1y + c1 = 0, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण हो जाएगा a2x + b2y + c2 = 0, सिंपली दूसरा समीकरण हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए वर्गीकरण विधि जो होती है उसमें एक विशेष प्रकार का सूत्र होता है जो इतना लंबा सा दिया गया है, और इस सूत्र को आपको याद करना होता है और याद करके इसी पे आपको इनमें ABC के मान को रखना होता है, तब जाके x और y के मान आपको मिल पाते हैं। तो ये होता है हल करने का तरीका। तो सबसे मुश्किल काम जो होता है इस समीकरण, इस जो सूत्र है इसको याद करना ही सबसे मुश्किल काम होता है। तो चलिए यहाँ पे एक मेरा तरीका है और एक किताब का तरीका है, दोनों तरीके मैं बताता हूँ कि कैसे आप इस सूत्र को याद कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने तरीके के बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए तरीका मेरा क्या है, थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है लेकिन ये होता है कि थोड़ा सा आप आसानी से समझ पाएंगे और इसको सूत्र को बार बार लिखने या फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप समीकरण को देख करके ही गिनतियों को बड़े आराम से रख भी पाएंगे। ये स्थिति होती है हमारे सूत्र के। तो देखिए x बटे ये गिनतियाँ रहेंगे, y बटे और 1 बटे, और हमको ये ax y और 1 कहाँ से मिला, यहाँ से x मिला, यहाँ से y मिला, और यहाँ पे कोई गिनती नहीं, x y कुछ नहीं, तो 1 लिया, तो ये हो गया। अब यक्स बटे, यक्स के बटे में ये जो गिनती मिली है b1 c2 - b2 c1, ये कहाँ से मिला है, तो ये यक्स वाला हिस्सा छोड़ देंगे, b1 c2 ऊपर से नीचे, ठीक है, b2 c1 हमने लिख लिया और बीच में माइनस लगेगा, ठीक है। तिरछा वर्गीकरण का मतलब होता है तिरछा गुणा, ठीक है। तो इन दोनों को गुणा कराया, इन दोनों को गुणा कराया, हमको लिखना ही लिखना है। अब किनको आगे लिखना है, ये ऊपर नीचे और जो गिनती पहले हमको मिलती है हमको उसको पहले लिखना है, और b2 c1 को हमको बाद में लिखना है, बीच में माइनस हर जगह पे ही लगाना है। अब y के बटे में क्या आएगा, y वाला हिस्सा छोड़ देंगे, तिरछा गुणा कराएंगे, समझ में आ रही है, a1 का c2 के साथ कराएंगे, a2 का c1 के साथ कराएंगे, ये गुणा कराएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग ये होता है कि हमें ये आपकी बार थोड़ा उल्टा लिखना होता है। हमने तभी वाले में ऊपर वाले से नीचे वाले जो गुणा कराया था इसको पहले लिखा था, अभी ऊपर वाले से नीचे गुणा करा करके ये हमको पहले नहीं लिखना है क्योंकि बाद में लिखना है। a2 c1 को हमको पहले लिखना है और a1 c2 को बाद में लिखना है। ये स्थिति हो जाती है वाई के साथ, केवल वाई के साथ ऐसी स्थिति रहती है कि हमको नीचे ऊपर वाला गुणा पहले लिखना होता है और ऊपर नीचे वाला बाद में करना होता है। अब एक के बटे में यानी सी को हमको गायब कर देना है। अब फिर से वही रिवर्स कर लेंगे जो अपने एक्स के साथ किया था, a1 b2 यानी ऊपर से नीचे वाला पहले लिखा जाएगा और a2 b1 को बाद में लिखा जाएगा। तो ये स्थितियां रहती हैं और आपको यह सूत्र से ही देख करके ये सारी चीजें मिल जाती हैं और कहीं पे हमको नहीं जाना होता है। तो बड़े आराम से हम यहाँ पे लिख लेंगे एक्स के बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा b1 c2 - b2 c1, और वाई के बटे में आ जाएगा क्या, वाई वाला छोड़ देंगे तो a2 c1 - a1 c2 आ गया। और एक के बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे ऊपर से नीचे पहले आएंगे a1 b2 - a2 b1, तो ये रही स्थितियाँ समीकरण को याद करने की। अब एक किताब वाली स्थिति होती है उसको देख लेते हैं। तो जो x और y और एक के बटे में लिखना होता है उनको हमको लिखने के लिए ये जो तरीका होता है वो कुछ इस प्रकार से है। हम x से देखें, x के बटे में लिखना है तो x को छोड़ करके b और यहाँ c से शुरू करेंगे। तो x के बटे में क्या आएगा, b1 यहाँ पे c1 और यहाँ पे सॉरी इसको थोड़ा नज़दीक लिख लिया c1, b के बाद c आएगा, c के बाद क्या आएगा a आएगा, a के बाद क्या आ जाएगा b आ जाएगा। तो ये हमने लिख लिया और यहाँ से वही सेम चीज़ें रहेंगे, सबके साथ 2 लगा देंगे, ठीक है। तो ये रहा 2। अब क्या कराना है, तिरछा गुणा कराना है। और यहाँ पे तिरछा गुणा कराने में आपको फिर
अब फेयर बदल वाला काम नहीं है, हमको ऊपर से नीचे वाला गुणा पहले ही लिखना है, यानी कि x बटे क्या लिखना है, बी वन सी टू। तो बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, ये पहले लिख लिया। y के बटे में क्या आ जाएगा, सी वन ए टू, सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन, ये तिरछा करके हो गया, बराबर एक बटे ऊपर से नीचे वाला पहले लिखना है, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। तो अब जबकि हमने सूत्र को देख लिया है तो सवाल पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये पहली सवाल हमने पकड़ ली है, एक सवाल, अब इसको हल करते हैं। और यहाँ पे ये विलोपन, प्रतिस्थापन या फिर वज्रगुणन किसी भी विधि से लगाया जाएगा, उत्तर तो मिलने ही वाला है। तो हम पहले बात तो ये बराबर के उस पार जो है इसको मानक रूप में लिखते हैं। मानक रूप ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो का है, तो इधर बराबर के उस पार जीरो होना चाहिए। तो आठ एक्स प्लस पाँच वाई माइनस ग्यारह बराबर जीरो लिखेंगे, और यक्स प्लस वाई माइनस चार बराबर जीरो लिखेंगे। दोनों समीकरण मिल चुके हैं। अब ये आपका ए वन है, ये बी वन है, ये सी वन है, और सी वन माइनस ग्यारह लिया जाएगा। ये ए टू, ए टू यहाँ पे एक लिया जाएगा, यक्स के साथ कुछ नहीं तो एक, और यहाँ पे बी टू, इसके साथ ये भी क्या लिया जाएगा, एक लिया जाएगा, और ये सी टू यानी कि माइनस चार। अब जो सूत्र बनता है यक्स अपॉन, ये होता है बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन बराबर वाई बटे ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू बराबर एक बटे ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ये फार्मूला होता है। और ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा, आपको दोनों तरीके से उसको याद कर सकते हैं। अब चीज़ों को रखना शुरू करेंगे, यक्स के बटे में क्या आएगा, b1 c2, देखिए b1 b1 यहाँ पे है, c2 यहाँ पे है, b1 वन पाँच, सी टू चार, पाँच गुणते माइनस चार, माइनस b2 c1, b2 क्या है, एक है, c2 माइनस ग्यारह, एक गुणते माइनस ग्यारह बराबर y बटे a2 c1, a2 ये रहा, c1 ये रहा, एक गुणते माइनस ग्यारह ये रहा, और ए वन सी टू, ए वन सी टू, ए वन आठ हो गया है, सी टू हो गया है माइनस चार, तो यहाँ पे हमने माइनस चार से गुणा कर दिया। अब एक बटे ए वन बी टू, ए वन बी टू, तो ए वन आठ गुणते बी टू वन माइनस ए टू, ए टू एक है, और बी बी वन क्या हो गया, पाँच, तो ये रख दिया। अब बस हो गया, बहुत आसान, आसानी से अब उत्तर आ जाएगा। चार पंजे बीस और ग्यारह कम ग्यारह, यहाँ पे प्लस ग्यारह हो जाएगा, बराबर वाई बटे ग्यारह कम ग्यारह, वो भी माइनस में, और आठ आठ चौक बत्तीस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बत्तीस मिलेगा, बराबर एक बटे आठ कम आठ माइनस पाँच कम पाँच। और यहाँ पे यक्स बटे इसमें से घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा माइनस नौ, बराबर वाई बटे जब इसमें से घटाएंगे तो इक्कीस मिलेगा, इक्कीस, और यहाँ से घटाएंगे तो एक बटे तीन मिल जाएगा। अब हमको यक्स का मान निकालना है, तो यक्स बटे माइनस नौ बराबर एक बटे तीन करेंगे, इसका इसके साथ बराबर करेंगे, उस छोड़ देंगे, तो यक्स बराबर हो जाएगा नौ, ऊपर जाएगा माइनस नौ बटे तीन, तीन तरीका नौ, यक्स बराबर माइनस तीन, और वाई बटे इक्कीस को जब एक बटे तीन के बराबर करेंगे तो y बराबर इक्कीस बटे तीन, तीन सतह इक्कीस, यानी y बराबर क्या मिल जाएगा हमको, सात, ये हमको दूसरा उत्तर मिल गया। तो सभी सवालें इसी प्रकार से करनी है और कुछ भी इसमें बड़ा नहीं है। आगे अब हम दूसरे के पहले सवाल की बात करेंगे जहाँ पे हमको ए बी सी डी देखने के लिए मिल जाता है, काम वही करना है, तरीका वही रखना है, बस ए बी सी डी है और कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको मानक रूप में बदलेंगे, ए वन एक्स प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा, और ये इधर आने के बाद माइनस ए स्क्वायर बराबर जीरो हो जाएगा, बराबर जीरो होना चाहिए। तो बी एक्स माइनस ए वाई और ये माइनस ए बी बराबर जीरो, इतना हो चुका।
अब आप जानते हैं कि ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है और ये C2 है, ठीक है। तो इतनी चीजें हो चुकी हैं। अब x के बटे हम डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट। हम जानते हैं कि x में हम क्या करते हैं, B1 C2 ये करते हैं गुणा। तो B1 क्या है, B, और C2 का क्या है, माइनस ए बी। तो इसका हमने गुणा कराया, थोड़ा सा खराब लिख दिया है, माइनस लगाएंगे। और उसके बाद B2 C1 करते हैं, ठीक है, B2 C1। तो B2 क्या है, माइनस ए है, इसका गुणा कराएंगे और यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर से, ठीक है। तो ये x के बटे हो गया। y के बटे में क्या आ जाएगा, y के बटे में शुरुआत नीचे वाले से करते हैं, क्या होता है, a2 c1 होता है, a2 c1। तो a2 क्या है, ये b है, और c1 क्या है, माइनस ए स्क्वायर है, और माइनस a1 a1 c2 होता है। तो a1 क्या है, a है, और c2 क्या है, यहाँ पे माइनस ए बटे माइनस ए बी है। तो अब एक बटे लिखने की कोशिश करेंगे, एक बटे, वो अब यहाँ से कह देंगे क्या होता है कि ए वन बी टू होता है। तो ए वन कितना है, ए है, बी टू कितना है, ए है, माइनस है, ए गुणते माइनस ए, और माइनस लगाएंगे। और ए टू बी वन करेंगे, तो ए टू क्या है, बी है, और बी वन क्या है, बी है। तो ए टू भी ए बी है और अपना बी वन भी बी है, तो दो बार बी का गुणा हो रहा है वहाँ पे, और बस थोड़ा सा गलतियाँ हुई है वहाँ पे लिखने में। अब यहाँ से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे माइनस और ए मिलेगा और बी स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, एक और माइनस बचा रहेगा, और यहाँ पे ए क्यूब बन जाएगा, बराबर वाई बटे यहाँ पे मिलेगा माइनस ए स्क्वायर बी, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी, ये मिल चुका है। और यहाँ पे मिलेगा माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर, इतना कुछ हमको मिल गया है। तो अब आगे हल करते हैं, हम क्या करेंगे, यक्स का इसके साथ तुलना करेंगे। तो यक्स बटे अगर यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस ए कॉमन लेते हैं, तो बाकायदा हमको यहाँ पे ए स्क्वायर मिलेगा और प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, बराबर यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको काट सकते हैं, माइनस से माइनस को काट सकते हैं, ए को ऊपर भेज सकते हैं, तो x बराबर हमको a प्राप्त हो जाएगा, इतना सा। और यहाँ से अब देखेंगे कि यहाँ पे y बटे जो कुछ दिया गया है मटेरियल कट जाएगा, तो जीरो मिलेगा और यहाँ पे एक बटे माइनस कॉमन लेने के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, जीरो ऊपर जाएगा। तो y बराबर जीरो बटे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कॉमन लेने के बाद कुछ ऐसा मिलेगा, y बराबर हमको यहाँ पे सीधा सीधा जीरो मिल जाएगा, कुछ करना भी नहीं है, जीरो में किसी भी गिनती से भाग करेंगे तो जीरो ही प्राप्त होगा। तो x बराबर है और y बराबर जीरो यहाँ पे मिल चुका है। ऐसे ही करके आपको इसके सभी पार्ट्स में हल करना है। तो कुछ और सवालों में चलते हैं, इसके तीसरे प्रकार के सवाल में जो दिया गया किताब में। दोस्तों अरिहंत की किताब में जो प्रश्नावली थी नसुल्ला चार की, जो तीसरा पार्ट बन रहा है, तीसरे पार्ट के जो पांचवी सवाल है उसको हम लेकर के आए हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी इनको बड़ी लग रही थी, हमने सोचा क्यों ना बड़ी सवाल को ही हल करके आपको दिखाया जाए। तो यहाँ पे पहला समीकरण जो मिलता है वो किस इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। हम पहले समीकरण में थोड़ा सा बदलाव अगर हम करना चाहें, इसको इधर लाना चाहें, तो देखेंगे कि यहाँ से बी एक्स प्लस सी वाई तो सही है, ये इधर आने के बाद दोनों पार्ट माइनस हो गए। अगर दोनों से हम माइनस को कॉमन ले लें तो ए प्लस बी को ऐसे कोष्टक में लिख करके, ठीक है, बराबर जीरो कर सकते हैं, यानी दोनों के साथ माइनस है। तो ये बन जाएगा अपना समीकरण जो प्रयोग में लाएंगे, इसमें भी पंचांतर करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको थोड़ा सा हल करके छोटा कर लेना जरूरी है, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा भयानक दिखाई दे रहा है। तो ये ए एक्स हो गया और यहाँ से हम नीचे गुणा कराएंगे तो आपको a प्लस बी ए माइनस बी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा a प्लस बी तिरछा गुणा करके, ये मिल जाएगा माइनस तो लगे रहेगा बीच में, और a माइनस बी मिल जाएगा। थोड़ी सी बात ये रहेगी कि यहाँ पे माइनस होने की वजह से माइनस है गुणा करके इसको चिन्ह को बदलेगा। देखिए यहाँ पे कोष्टक लगा सकते थे, कोष्टक लगाने के बाद माइनस अंदर गुणा कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है
क्योंकि दो बार कोष्टक लगा के लिखना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है। चलिए मैं अगले पार्ट में इसको आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे इस हिस्से में जो हम करेंगे वही हम इसमें करने वाले थे, ठीक है। सी वाई ऐसे करते हैं, आप यूँ समझिए कि यहाँ पे ऐसे काम चल रहा है कि नीचे वाले जब गुणा कराएंगे तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो बनेगा ही, इसका इधर गुणा होगा तो बी प्लस ए बनेगा, और इसका जब इधर गुणा होगा तो देखिए यहाँ पे माइनस बनेगा, बी माइनस ए बनेगा। आपको इतना तो समझ में आया होगा, दो कोष्टक लगना पड़ा। अब यहाँ पे 2a अपॉन a प्लस बी है, इसको रहने देते हैं, उसको बाद में देखा जाएगा। तो यहाँ पे ax रखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a और a कट जाएगा, क्यों प्लस माइनस में, तो b और b मिलकर के 2b हो जाएगा अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो है ही। और यहाँ पे प्लस लगाते हैं, cy करते हैं, यहाँ पे देखिए माइनस से अंदर जब गुणा कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी प्लस ए तो ऐसे मिलेगा, यहाँ पे माइनस बी और प्लस ए मिल जाएगा, तो बी से बी कट जाएगा नीचे। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले देते हैं तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाएगा, जो माइनस हमने कॉमन लिया इस वाले प्लस को बना देगा माइनस। ये करना है, थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। और इस हिस्से को पूरा अगर इधर कॉमन ले आते हैं तो बाद में कॉमन लेंगे, या फिर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है वो बाद में देखते हैं। यहाँ पे 2a अपॉन a प्लस बी रखते हैं। अब यहाँ पे इतना सब कुछ तो मिल चुका है, यहाँ पे अंदर जब गुणा कराएंगे तो 2abx अपॉन यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, जिसको हम a प्लस बी और a माइनस बी कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमको यहाँ पे थोड़ा सा काटने वाली चीज़ मिल रही है। और इसके अंदर वो जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पे a और a मिलकर 2a हो जाएगा, 2a और यहाँ पे सी वाई, और नीचे जो है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो बन जाएगा a प्लस बी बन जाएगा और a माइनस बी बन जाएगा, और यहाँ पे 2a और यहाँ पे a प्लस बी हो रहा है। और अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से a प्लस बी को कॉमन लेकर इसके साथ वाले को काट सकते हैं, या फिर यहाँ से कॉमन लेकर के ऊपर पहुँचा सकते हैं ताकि कट जाए। और यहाँ पे दोनों जगह पे दो दो हम इन दोनों पार्ट में कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, 2a कॉमन ले सकते हैं अपॉन a प्लस बी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा देखिए bx बचेगा, ठीक है bx बचेगा अपॉन a माइनस बी बचेगा, ये बचेगा, और यहाँ पे cy बचेगा क्योंकि 2a तो कॉमन ले गया, और a माइनस बी बचेगा, इतना पार्ट बच रहा है। तो यहाँ पे कोष्टक बताने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे 2a अपॉन a प्लस बी हो रहा है। अब आपको क्या दिखाते रहे, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इससे कट जाएगा, और ये पूरा का पूरा कट जाएगा, यहाँ पे एक बचेगा। तो ये इतना सिस्टम हो चुका है। आगे थोड़ा सा और सिस्टम बढ़ाते हैं कि यहाँ पे a माइनस बी बराबर हो रहा है, एक ही बार हो रहा है, तो हम मतलब कि a माइनस बी ऐसे लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं बी एक्स माइनस सी वाई बराबर ए, इसको उधर पहुँचा सकते हैं, ठीक है। तो हमको मिलेगा बी एक्स माइनस सी वाई बराबर यहाँ पे ए माइनस बी, उसके साथ गुणा हो रहा है। अब पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो यहाँ पे बी एक्स माइनस सी वाई, अब ये गिनती क्या है, ऐसे कोष्टक में ये प्लस के साथ है, इधर लाएंगे तो माइनस के साथ हो जाएगा ए माइनस बी, ऐसे। तो ये ज़बरदस्त तरीके से हो चुका है, यहाँ पे समीकरण नंबर दो कुछ ऐसे बनेगा। अब यहाँ पे ये ए वन है, बी वन है, और ये ए टू बी टू और सी टू है, क्योंकि वन तो उसके साथ चला जाएगा। तो ये कुल मिला के बना है। अब इनमें प्रयोग करते हैं, हम दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। जैसे कि पहला था बी एक्स प्लस सी वाई माइनस ए प्लस बी, ऐसे कोष्टक में था, बराबर जीरो था। अभी यहाँ पे दूसरा समीकरण जो बना है वो बी एक्स माइनस सी वाई और माइनस ए माइनस बी बराबर जीरो, कुछ ऐसा बना है। अब यहाँ पे यक्स वाई का प्रयोग करते हैं, तो यक्स बटे क्या होता है, बी वन सी टू, ठीक है बी वन सी टू। तो यहाँ से आप बी वन किसको मानेंगे, देखिए ए वन बी वन ये हो गया, बी वन क्या हो गया सी हो गया, और सी टू क्या, बी वन सी टू होता है तो ए टू बी टू और ये सी टू, ये पूरा सी टू है। तो यहाँ पे माइनस ऐसा साथ में लगा देते हैं और ए माइनस बी ऐसे लिख लेते हैं, माइनस लगाया और होगा बी टू सी वन। अब बी टू कौन हो गया, ये हो गया और सी वन ये हो गया, तो बी टू क्या है माइनस सी वाई है, वाई नहीं लिखा जाएगा सॉरी, और ये जो है माइनस का भी प्रयोग होगा, तो माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं, क्या अभी यहाँ पे तामझाम बढ़ाना।
तो यक्स के बटे में ये चीजें हमने लिख लिया है। वाई के बटे में आ जाएंगे, वाई के बटे में होता है, वाई के बटे में क्या होता है जी, वो होता है ए टू सी वन, तो ए टू सी वन का गुणा कराएंगे, तो बी गुणते ये जो चीज है माइनस के साथ है, तो यहाँ पे ए प्लस बी ऐसे लिख लिया माइनस। अब क्या होता है ए वन सी टू होता है, तो ए वन ये हो गया, सी टू ये हो गया, तो ए वन तो बी हो गया, इसके साथ माइनस है तो इसको प्लस कर लेते हैं और ए माइनस बी यहाँ पे प्रयोग कर ले रहे हैं, ये चीजें हो गई। अब एक के बटे में आ जाते हैं, एक के बटे में क्या होता है, वो होता है ए वन बी टू, ए वन बी है और बी टू क्या है माइनस सी है, तो यहाँ पे गुणा करना है माइनस सी से और माइनस लगाया। अब क्या होगा, अब हो जाएगा ए टू बी वन, ए टू बी है और बी वन सी है, तो बी गुणते सी, ये चीजें हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हमें आगे करना है हल, वो भी किस प्रकार से देखते जाते हैं। यहाँ पे माइनस से गुणा कराएंगे तो माइनस ए सी मिलेगा और ये माइनस माइनस प्लस बी सी मिल जाएगा, इस माइनस से अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस ए सी मिलेगा और यहाँ पे माइनस बी सी ये मिल चुका है। बराबर यहाँ पे आएंगे, ये वाई के बट्टे में मिलेगा, अंदर गुणा कराएंगे माइनस ए बी मिलेगा और यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर मिलेगा और यहाँ पे ये प्लस है, प्लस ए बी मिल जाएगा और ये माइनस माइनस कुल मिला के प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएंगे एक बटे, यहाँ पे देखेंगे इसके साथ माइनस था तो ये माइनस बी सी हो जाएगा और यहाँ पे ये क्या है, ये माइनस बी सी है, ठीक है। तो इतना सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब यहाँ से हम काट लेते हैं बी सी बी सी को, यहाँ पे ए बी को और यक्स बटे हमको क्या मिल जाता है, टू माइनस टू ए सी मिल जाता है और वाई बटे यहाँ पे क्या मिल जाता है, माइनस टू बी स्क्वायर मिल जाता है और यहाँ पे क्या मिल जाता है, एक बटे माइनस टू बी सी मिल जाता है। और यक्स बराबर जब हमको निकालना है तो ये ऊपर भेजेंगे, माइनस टू ए सी ऊपर भेजा और यहाँ पे टू बी सी, माइनस टू बी सी नीचे रहेगा, टू कट जाएगा, माइनस कट जाएगा, सी कट जाएगा, तो यक्स बराबर क्या मिल गया, ए बटे बी मिल गया है। और वाई का मान जब निकालना है तो ये गिनती को ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू और ये क्या है, बी स्क्वायर है, ये माइनस नहीं है और यहाँ पे क्या है, माइनस टू बी सी है, माइनस माइनस काट देंगे, दो काट देंगे, बी से की बी काट देंगे तो बी बटे सी बचेगा, ये हो जाएगा, तो वाई बराबर क्या हो गया, बी बटे सी। तो इतना लंबा कुछ सवाल रहा ये और हो चुका है हल और करनी पड़ी थोड़ी सी मेहनत लेकिन हुआ। तो सवालों को आपको ऐसे ही थोड़ा आराम से अच्छे से हल करते हुए चलना है तो हो जाएगी बहुत जल्दी। तो मेरे ख्याल से बजुगुणन विधि आपको समझ में आए होगी, ये सबसे आसान विधि पड़ती है क्योंकि सूत्र इसका याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और याद हो जाने के बाद सबसे आसान पड़ता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।